अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो हमारी नया नाजाबाद की सिक्योरिटी इश्यूज के वाले वीडियो अगेन बना रहा हूँ। उसकी वजह ये लास्ट वीक भी इसकी वीडियो बनाई थी सिक्योरिटी इश्यूज की नया नाजाबाद के अंदर, तो दोबारा मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। उसकी वजह ये है कुछ इशूज़ हैं जो कि बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, कुछ पॉइंट्स थे जो शायद मेरे ख्याल में उस वीडियो में रेज नहीं किए थे जो कि इस वीडियो में बनते थे। सबसे पहली बात, अगर हम बात करें सिक्योरिटी की, तो सिक्योरिटी यहाँ की नया नाजाबाद, सिक्योरिटी कहीं की भी हो, किसी भी सोसाइटी की अगर सिक्योरिटी अच्छी होगी तो सोसाइटी कामयाब होगी। अगर हम कराची शहर को छोड़ के किसी सोसाइटी में शिफ्ट होते हैं तो उसकी सिक्योरिटी की, उसकी मैनेजमेंट की वजह से, उसके माहौल एनवायरनमेंट की वजह से हम शिफ्ट होते हैं। तो यही वजह है शहर के बीचों बीच इतनी खूबसूरत, इतनी बड़ी सोसाइटी बनाने के, जब बनाते हैं इतनी सोसाइटी खूबसूरत, तो उसको मैनेज भी उसी तरीके से करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नया नाम बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे हैं उसको। लेकिन जहाँ पे आके हमें कुछ चीज़ों का इश्यू होता है वो है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी अलहमदिल्ला बहुत अच्छी है, सेफ है, लेकिन सिक्योरिटीज का ये इशू है कि जब यहाँ पे ओवर स्पीडिंग होती है नया नाजाबाद के अंदर, तो यहाँ पे एक्सीडेंट्स होते हैं। और आजकल पिछले कुछ जब से रमजान शुरू है, जब से एक्सीडेंट्स काफी बढ़ गए हैं, आए दिन कोई ना कोई वाक्य सुनने में आ रहा है जो कि एक्सीडेंट का हो रहा है। एक्सीडेंट यहाँ पे जब हो रहे हैं तो लोग काफी परेशान हो गए, क्योंकि ओवर स्पीडिंग बहुत ज्यादा है। यहाँ पे कोई भी स्पीड लिमिट नहीं लिखी हुई, और यहाँ पे कुछ ऐसे ना यहाँ पे कोई स्पीड लिमिट है कि अगर आप स्पीड लिमिट पकड़ते हो, ना ही सिक्योरिटीज वाले ना मैनेजमेंट वालों ने ऐसे कोई रूल बनाया हुआ है कि अगर आप ओवर स्पीड करते हो उसमें क्या कानून है, क्या कानून लागू होता है। तो जब देखें इतने अच्छे एम्पायर खड़ा करते हो, आप इतना मैनेज को बढ़ाते हो अपनी सोसाइटी को, आपके अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, तो जाहिर है जब आगे जाके आबादी और ज्यादा बढ़ेगी तो ये चीजें बहुत ज्यादा काउंट की जाएगी उस टाइम पे जब आबादी बढ़ जाएगी। तो उसी चीज को हम भी आज देख रहे हैं कि हमारी नया नाजाबाद की सिक्योरिटी की जो मेन इश्यूज आ रहे हैं वो आ रहे हैं, हमारे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं जो कि बढ़ते जा रहे हैं दिन ब दिन। वजह ये कि अगर हम बात करते हैं यार ओवर स्पीडिंग की, नया नाजाबाद का अब बहुत ज्यादा ओवर स्पीडिंग हो रही है और उस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा। छोटे से छोटे बच्चे जिनकी उम्र 15 साल, 14 साल या 12 साल है, उनके पास अगर बाइक है तो वो भगा रहे हैं और बहुत ज्यादा ओवर स्पीडिंग वो करते हैं उसको, उस पर कोई सिक्योरिटी वाला इशू नहीं करता। इवन के मैंने खुद भी सिक्योरिटीज में जाके कंप्लेन की है, तो वहीं यहाँ कह दिया जाता है कि अंदर रिहायशी हैं, तो रिहायशियों को मतलब कुछ भी नहीं किया, रिहायशियों के पास लाइसेंस है कि वो किसी को भी मार सकते हैं। ये चीज़ गलत है, इस चीज़ को पॉइंट हम लोग को रेज करना चाहिए। रिहायशी अगर भगा रहा है तो मतलब हम भाकल को तो हम बाहर वालों को भी रोक नहीं सकेंगे कि वो बोलेंगे तो भगाए, तुम्हारे फिर सबकी बदमाशी है यहाँ। अभी रिसेंटली रिसेंटली एक एक्सीडेंट हुआ था ब्लॉक डी के अंदर नया नाजाबाद में, एक 12 साल का लड़का करोला गाड़ी भगा रहा था अपनी, जिसको उसने एक मीरा गाड़ी को हिट किया था। वो लड़का 12 साल का गाड़ी चला रहा था, ओवर स्पीडिंग कर रहा था, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट होता है। जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे, वीडियो देख रहे हैं, ये वही वीडियो है। तो ये चीजें जब आप अपनी इन चीजों पे कंट्रोल नहीं कर पाते हो तो फिर ऐसे ऐसे ही इंसिडेंट सामने देखने को मिलते हैं। तो मेरा वही के मकसद है, अब बाइक्स हैं तो छोटे छोटे बच्चे इतनी ज्यादा ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं। छोटे बच्चे तो क्या, मैं कहता हूँ मेच्योर उम्र के लड़के भी ओवर स्पीडिंग इतनी ज्यादा कर रहे हो, तो चाहे वो गाड़ियां हो चाहे बाइक हो। अगर मैं बात करता हूँ मेन रोड की, हम सी और डी का जो मेन रोड है, यहाँ रिहायशी है, रिहायशी ब्लॉक है ये भी, और यहाँ घर बने हैं, इस रोड पे इतनी ज्यादा ओवर स्पीडिंग होती है लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जाता। सिक्योरिटीज वाले को पता हो तो कोई एक्शन नहीं लेता। जब तक इन चीजों पर एक्शन नहीं लेंगे होती रहेंगे, चीजें बढ़ जाएंगी, जब बढ़ जाती हैं तो फिर एक बहुत इसका बुरा इम्पैक्ट नजर आता है सामने, बहुत बुरी एक आउटपुट नजर आता है इसका। मैं नहीं चाह रहा हूँ कि ऐसा कुछ हो नया नाजाबाद बाद में, जब आप इन चीजों पर काबू नहीं पा रहे हो। हम कंप्लेन करते हैं सिक्योरिटी वालों को जाके कि यार देखें ओवर स्पीडिंग हो रही है यहाँ पे, देखते हैं हाँ हमने बोला है, हमने समझाया है, वो लेकिन नहीं मान रहे। जब अगर वो सिक्योरिटी वालों के हाथ नहीं आ रहे, या सिक्योरिटी वालों ने अपने हाथ खड़े कर लिए हैं उन चीज़ों पे, आगे आने वाले टाइम पे तो फिर वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बाहर वाला कुछ भी अंदर आ सकता है, चोरी हो सकती है, लोगों की गाड़ियाँ बाइक्स मोटरसाइकिल्स साइकिल्स बाहर ही खड़ी हुई होती हैं, कोई भी चोरी कर सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इन चीज़ों पर अगर एक्शन नहीं लेंगे तो चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ती ही जाएंगी चीज़ें। तो मेरा ख्याल ये है कि सिक्योरिटी अगर आपकी मेन चीज़ है, अगर आप इसको मेंटेन रखते हो, अपने गार्ड्स बढ़ाते हो, आपने बाइक्स दी हुई हैं गार्डों को, गाड़ियां दी हुई हैं, उन चीज़ों को अगर आप मेंटेन करते हो या बढ़ाते हो गार्ड्स को, तो आप पेट्रोलिंग पे ज़्यादा चीज़ें रखते हो तो ये चीज़ मेंटेन हो सकती है। सबसे अहम चीज़ ये कि अगर आप अपनी जो यहाँ पे ओवर स्पीडिंग है, अगर स्पीड लिमिट इसको आप कर देते हो मेंटेन के, आपने इससे ज़्यादा उस ओवर स्पीडिंग नहीं करनी है। मेन रोड है सी ओ डी के, यहाँ पे कोई भी ब्रेकर नहीं है कि जिस इसको स्पीड को वो ब्रेक कर सके, ऐसा कुछ भी नहीं बनाया। लोगों ने बहुत ज़्यादा कंप्लेन की जाके कि आपको चाहिए कि स्पीड को थोड़ा मेंटेन करें, स्पीड को कम करें, लेकिन ऐसा कुछ भी यहाँ नहीं बनाया गया, जो कि 12 दफ़ा काफ़ी दफ़ा हम लोगों ने जाके कंप्लेन की लेकिन कुछ भी इस पर एक्शन नहीं होता है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, मैं एक तो ये पॉइंट हमारा हो गया। दूसरा पॉइंट मैंने आपको सिक्योरिटी का बता दिया है कि अब जब ये ओवर स्पीडिंग होती है तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आगे जाके आएगा। थर्ड, मैं आप लोगों को बताऊँ, मेन गेट से कुछ लोग ऐसे हैं जो बाहर के आउटसाइडर होते हैं,
वो अंदर आ जाते हैं बगैर किसी आइडेंटिफिकेशन के, बगैर किसी इंफॉर्मेशन के, वो अंदर आ जाते हैं कि हम बस हमें अंदर जाने घूमने, घूमते हैं, बैठते हैं, जाके गार्ड्स को बोलो कि अरे बाहर के हैं, तो कुछ भी, चाहे वो कोई भी हो, वो बाहर के बंदे हैं, वो बैठे हुए अंदर आके, वो अपनी हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, तो गार्ड्स कहते हैं हाँ हम देख रहे हैं बैठे हुए हैं। तो ये भी एक इशू है, आप इन चीज़ों को थोड़ा काउंट करें, आगे आने, अगर कोई आगे आने वाले वक्त पे कुछ भी हो सकता है, आगे अगर वो बंदा कुछ अंदर आ रहा है वो कुछ भी कर सकता है, किसी के घर में से चोरी करके भी जा सकता है, कुछ भी कर सकता है एक्सरसाइज, तो ये चीज़ें मेंटेन करने वाली हैं। क्योंकि जब यहाँ लोग शिफ्ट होते हैं, अगर हम यहाँ शिफ्ट होते हैं, तो उसकी वजह ये होती है कि हमने इस चीज़ को मेंटेन किया, सिक्योरिटी जो मेन चीज़ है, हम उसको देख नज़र हम उसको देखते हुए यहाँ शिफ्ट हुए हैं कि सिक्योरिटी एंड मेंटेन। उसके अलावा नया नया समझ अपनी सोसाइटी को बहुत अच्छा मेंटेन कर रहा है, रख के चल रहा है, लेकिन कुछ चीज़ों पर हमारे भी इश्यूज़ हैं। उसके अलावा यहाँ पे डॉग्स बहुत हो गए हैं, कुत्ते बहुत ज़्यादा हो गए हैं, इस पर कोई कंट्रोल नहीं। हमने उसकी भी कंप्लेंट्स करवाई है कि यहाँ पे कोई कुत्तों का कोई कोई ना कोई इसका नेमो बदल है या कुछ का, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गए हैं जंगली कुत्ते हैं, वो भाग रहे होते हैं, कभी किसी की बाइक के सामने आ जाए तो गिर जाए बाइक वाला, बहुत बड़ा एक्सीडेंट होता है, वो भी एक एक्सीडेंट की वजह बनती है। उसके बाद अगर आप कार वाले के सामने, जो कार वाले की शो तो खराब, मतलब फ्रंट उसका खराब तो हो जाएगा, लेकिन कुत्ते का भी बड़ा खराब होता है। तो ये मेन चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा बंदा घबरा कर अपने आपको सेव करने के चक्कर में ही उल्टे काम कर लेता है। तो दो चीज़ें, एक तो कुत्ते हैं, नया नाम बातें बहुत हो गए हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, सिक्योरिटी इशू मैंने आप लोग को बता दिए, तीन पॉइंट थे जिनके बारे में मैंने आप लोग से बात करनी थी। और ये अगर मैनेजमेंट हमारी वीडियो देख रही है, हायर मैनेजमेंट, तो उसके इसके लिए प्लीज़ कुछ एक्शन लीजिए आप लोग, कि आप लोग अगर आप लोग के मेन सी और डी के मेन रोड्स हैं जो कि 60 फीट चौड़े रोड है, अगर इस पर कुछ चीज़ नहीं होगी तो आगे आने वाले वक्त से काफ़ी ख़राब होगा। क्योंकि अब आपके आने वाले टाइम में जब अपार्टमेंट्स आपके आबाद हो जाएंगे, तो उसमें जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा आबादी होगी, उसी तरह से स्पीड होगी। और नया नाज़ामाबाद आपका बहुत स्पीड से आबाद हो रहा है, घर बन रहे हैं, यहाँ पे आबादी ज़्यादा हो रही है, तो इन चीज़ों को कंट्रोल करना बनता है। अगर आप अभी इसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो आने वाले वक्त में ये चीज़ें आपको नुकसान दे सकती हैं। इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।